Hello dear viewers. My class is for 10th subject of mathematics. Chapter number six, based on triangles. It's me I read mala RP the Gate. Exercise 6.5. Question number. Question number 3. Right. Question number 3 says that in figure, ABD is a triangle. Rather, we can say it's a right angular triangle, right angle at A. And a C is perpendicular on B D. We need to show different uh, things here. given triangle? A B D is a right angle triangle or right angle at P right angle at A, sorry. Right angle at A.

स यू आर राइट ए डी सी थर्ड पार्ट जो प्रूव करना है हमें वो है ए डी स्क्र इज इक्वल टू बी डी इंटू सी डी हम प्रूफ करेंगे इसमें वेरी गुड सिंस ए सी इज पर पेंडिक्यूलर ऑन बी डी ट्रगल एबीसी एबीसी इज सिमिलर टू ट्राएंगल डीबीए डीबीए एक तो ये ये वाली ट्रैंगल और दूसरी बड़ी वाली ट्रैंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रैंगल ए बी डी क्यों क्योंकि ये एंगल जो है दोनों में कॉमन है एंगल ईच 90 डिग्री है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रैंगल सिमिलर है दियर फोर ऑल्सो दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू बिगर ट्रायंगल बिकॉज सेम प्रोसीजर दियर फोर दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू इज इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल बिकॉज दोनों जो है सिमिलर ए ए बी ए बी डी है ये भी है, ये ए बी सी इज सिमिलर टू एम दिस ए बी डी ए सी डी इज सिमिलर टू ए बी डी ए सी डी अगेन जब दो दो डिफरेंट दो ट्रैंगल जो हैं ये बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर है तो ये दोनों भी सिमिलर ही होंगी तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जब ये सिमिलर है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शनल होंगे ए बी डिडेड बाई डी बी इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ए बी हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी बी डी इंटू बी डी इंटू डी सी बी डी इंटू बी सी तो ये हमने प्रूव कराया प्रूव किया फर्स्ट कराया तो हम लिख सकते हैं अब सेकंड पार्ट अब हम ये दूसरी वाली ट्रायंगल लेते हैं और फुल ट्रैंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रैंगल डी ए सी दोनों छोटी छोटी ट्रैंगल दे सकते हैं ट्रैंगल ए बी सी एंड ट्रैंगल ए डी सी तो हम लिख सकते हैं ियर फोर ये दोनों सिमिलर हैं एज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए सी डिवाइडेड बाई बी सी इंट इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड साइड प्रोपोर्शनल डी सी डिवाइडेड बाई ए सी अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी तो हमारा प्रूव हो गया सेकेंड अब थर्ड मैंने ये कहा कि किस तरह ये किस तरह ये तीनों ये जो ट्राइंगल्स हैं ये किस तरह हमारे हमें ये सिमिलर आती है तो प्रोसीजर नहीं क्योंकि हमने एक फुल फ्लेज एक्सरसाइज की है इस पर तो प्रोसीजर यही है कि हम आगे बढ़ेंगे और आपको ये समझ आ चुका होगा इस वक्त सिंस ट्राइंगल ए सी डी अब ये वाली ए सी डी और बड़ी वाली ट्राएंगल इज सिमिलर टू ट्राएंगल बी ए डी बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी तो यहां पर हम लिख सकते हैं ए सी डिवाइडेड बाई यस ए डी डिवाइडेड बाई यहां का परपेंडिकुलर और दूसरा परपेंडिकुलर ए डी डिवाइडेड बाई सी डी ए डी डिवाइडेड बाई सी डी इज क्ल टू बी डी डिवाइड बाई यस ए डी ए डी इंटू ए डी इज वल टू ए डी स्क्वा डी सी इंटू डी होप आपको ये समझ आ चुका हो ये तीसरा पार्ट हमारे यहाँ ने किया तो ये हमारे पास प्रूफ आ गया इन आपको ये समझ आ चुका होगा अब मूविंग अहेड तो नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन